नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय नाइक, जो सीम्स हॉस्पिटल में डायरेक्टर है और इंटरवेंशनल कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एवं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। आपका जन्म मुंबई में हुआ और मुंबई में ही आपने शिक्षा प्राप्त की। KEM हॉस्पिटल परेल मुंबई से आपने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में DM की डिग्री हासिल की और उसके बाद सिडार सिनाई मेडिकल सेंटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA से आपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में फेलोशिप प्राप्त की। डॉक्टर अजय नाइक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में कई कॉन्फ्रेंसेस में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अजय नाइक से। डॉक्टर नाइक साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि एरिथमिया क्या है, क्या होता है ये? एरिथमिया हृदय की अनियमित गति को कहते हैं। हृदय की नॉर्मल गति 60 और 100 के बीच में चलती है। नॉर्मली भी अगर हम उठ के खड़े रहें, सीढ़ियाँ चढ़ें, कसरत करें तो हृदय की गति बढ़ती है, 100, 120, 150 तक जा सकती है। जब हम सोते हैं तो हृदय की गति स्लो होती है, 50, 40 तक भी पहुंच सकती है। ये सामान्य है, पर अगर हृदय की गति अचानक अनियमित हो जाए, अचानक बहुत तेज चले 150, 200, 250 या अचानक बहुत स्लो हो जाए तो उसे एरिथमिया कहते हैं। पर ये क्यों होता है, कारण क्या है एरिथमिया होने का? एरिथमिया होने के कारण अलग अलग हैं। कुछ लोगों में हृदय में जो नॉर्मल स्विच, नॉर्मल वायरिंग भगवान ने बनाई है, उसके अलावा एक्स्ट्रा वायरिंग रहती है, उनकी वजह से हृदय में कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जो नॉर्मल गति 60-100 के बीच में चलनी चाहिए, बैठे बैठे ही गति अचानक 150 या 200 पहुंच सकती है शॉर्ट सर्किट होने के कारण। इसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया, धड़कन तेज हो जाना। कुछ पेशेंट में जैसे अपने घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग कभी खराब हो जाए, स्विच खराब हो जाए, तो हृदय की गति स्लो हो सकती है। तो हृदय की गति को स्लो हो जाने को कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, गति स्लो हो जाना। तो नॉर्मल गति जो 60 कम से कम रहनी चाहिए और अचानक 30-35 पे पहुंच जाती, तो ये अलग अलग कारण है जिससे एरिथमिया हो सकता है। कुछ पेशेंट में ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट अटैक आ चुका हो, हृदय को डैमेज हो चुका हो, तो जैसे कभी दीवार में भेज पड़ जाए, वायरिंग खराब होकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उस कारण भी हार्ट अटैक के बाद हृदय के स्नायु कमजोर पड़ जाते हैं, वहां की वायरिंग डिस्टर्ब हो जाती है और वहां पे करंट लीक होके शॉर्ट सर्किट हो सकता है और तभी जानलेवा तेज धड़कन निकल सकती है और एरिथमिया हो सकता है। तो ये अलग अलग कारण है। कुछ पेशेंट में हृदय के वाल्व की प्रॉब्लम हो तो वाल्व के बीमारी के कारण भी भेज पड़ जाने के कारण शॉर्ट सर्किट होके एरिथमिया हो सकती है। तो ये सामान्य कारण है जिससे ये हो सकता है। कुछ कारण काफी रेयर रहते हैं, 100 में एक या दो पेशेंट को, तो अलग अलग कारणों से इसकी तकलीफ हो सकती है। जी, एक्चुअली जब एरिथमिया होता है तब हार्ट में क्या प्रोसीजर होता है, क्या होता है हृदय के अंदर? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और एरिथमिया जैसे मैंने बताया गति एकदम फास्ट हो सकती है। अगर गति बहुत फास्ट हो जाए, जो नॉर्मल 60-100 के बीच में चलनी चाहिए, बैठे बैठे ही एकदम 200 हो जाए, तो हृदय की पंपिंग बहुत तेज होने लगती है। पर हृदय जितना ब्लड खून शरीर को भेजना चाहता है उतना भेज नहीं पाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। ब्लड प्रेशर कम होने के कारण दिमाग को बराबर खून नहीं मिलता है, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, कुछ लोग चक्कर आके गिर सकते हैं, कुछ लोगों में ये जानलेवा हो सकता है। एरिथमिया का दूसरा प्रकार मतलब हृदय की गति स्लो हो जाने के कारण भी अचानक धड़कन 30 हो गई तो दिमाग को बराबर खून नहीं मिलता है, उससे आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, उससे जान को जोखिम हो सकता है। कितना सामान्य है ये, कितने लोगों में देखने मिलता है? जी, अगर नॉर्मल 1000 लोग लें तो नॉर्मल 1000 लोगों में से 3 या 4 लोगों को ये हो सकता है। अच्छा। पर अगर हृदय की बीमारी वाले पेशेंट देखे हों तो 100 में से करीब 25% पेशेंट को एरिथमिया की बीमारी हो सकती है। खासकर उनको जिनको हृदय का अटैक आ चुका हो, हृदय की पंपिंग कम हो चुकी हो, ऐसे पेशेंट में खास ये तकलीफ ज्यादा होने के चांसेस हैं। अगर हृदय की वाल्व की बीमारी हो, खास ऐसे पेशेंट्स में ये तकलीफ ज्यादा होने के चांसेस हैं। पर अगर नॉर्मल रास्ते पे चलने वाले 1000 लोग लें तो उनमें भी 3-4 लोगों को ये होने के चांसेस हैं। एरिथमिया के प्रकार के बारे में हमने बात की, उसके बारे में थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? जरूर।
एरिथमिया, जैसे मैंने बताया कि अगर तेज धड़कन हो उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया, अगर धड़कन स्लो हो जाए उसे हम कहते हैं ब्राडीकार्डिया। उसी के साथ हृदय के जिस भाग से ये एरिथमिया या हृदय की अनियमित धड़कन पैदा हो रही है उसके अनुसार भी हम इसको कह सकते हैं कि किस अलग अलग भाग से ये धड़कन पैदा हो रही है। अगर हम कंप्यूटर की तरफ देखें तो ये हृदय है, और जैसे हमारे घर में हम स्विच ऑन करते हैं वायर से इलेक्ट्रिसिटी जाके लाइट ऑन होती है, उसी तरह हृदय में स्विच है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, नीचे जंक्शन बॉक्स तक पहुँचती है, जंक्शन बॉक्स से नीचे वायरिंग से हृदय के स्नायु को एक्टिवेट करती है और तभी हृदय पंप करता है। नॉर्मली ये स्विच मिनट में 70 बार ऑन ऑफ होती है, दिल धड़कता है 70 बार, अपनी नाड़ी चलती है 70 बार। हम उठ के खड़े रहें, सीढ़ियाँ चढ़ें, कसरत करें तो ये स्विच जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होती है, धड़कन बढ़ती है 120, 140, 150। अगर हम सो जाते हैं तो ये धड़कन स्लो हो जाती है, पर कुछ कुछ पेशेंट में हृदय में एक्स्ट्रा स्विचेस एक्टिवेट हो सकती है ऊपर के कमरे से, या हृदय में कहीं पे एक्स्ट्रा वायरिंग हो सकती है जिसके कारण हृदय में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसे हम कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, SVT जिसका सामान्य नाम है। अगर ऊपर के कमरे से ये धड़कन आ रही हो तो उसे हम कहते हैं SVT, अगर नीचे के कमरे से धड़कन पैदा हो उसे हम कहते हैं VT, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। SVT में जनरली पेशेंट की जान को जोखिम नहीं होता है, इसमें पेशेंट को तकलीफ हो सकती है, कुछ पेशेंट चक्कर आके गिर सकते हैं, ये बार बार होने के चांसेस रहते हैं, इसके कारण हॉस्पिटल में बार बार जाके ट्रीटमेंट वगैरह करवाने की जरूरत पड़ सकती है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या VT जो नीचे के कमरे से आते हैं इनमें जोखिम ज़रा ज़्यादा रहता है, ये खासकर उनमें होता है जिनमें पहले हृदय का अटैक आ चुका हो, हृदय की पंपिंग कम हो चुकी हो, और वैसे केसेस में ये जानलेवा भी हो सकता है। इन शॉर्ट ऐसा कहा जा सकता है कि हार्ट में एक इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है जिसे हम धड़कन कहते हैं, उसे इलेक्ट्रिक प्रोसेस भी कहा जा सकता है। जैसे घर में पानी के पाइप से पानी आता है, वायरिंग से इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक उसी तरह हृदय में भी खून की नलियों से खून पहुंचता है और इलेक्ट्रिक वायरिंग है उससे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। घर में जैसे खिड़की दरवाजे हैं वैसे हृदय में वाल्व हैं, और घर में दीवारें हैं वैसे हृदय के मसल्स या स्नायु हैं जो पंप करते हैं। तो बिल्कुल घर जैसा है, और घर में जैसे पानी के पाइप में प्रॉब्लम हो सकता है वैसे हृदय में खून की नलियों में ब्लॉक आ सकते हैं, उसके लिए एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बाईपास करते हैं। और जैसे घर में वायरिंग खराब हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसी तरह हृदय में एरिथमिया हो सकती है इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रॉब्लम के कारण। एक्चुअली मैं इसी ब्लॉक के बारे में पूछना चाहती थी कि जैसे पानी की नली में ब्लॉक आता है हृदय में भी वैसे ही ब्लॉक आता है, कैसे आता है? जैसे पाइप पानी के पाइप में ब्लॉक आता है उसी तरह हृदय में खून की नलियों में भी ब्लॉक आ सकता है और उससे हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट। और इलेक्ट्रिक वायरिंग में भी हम ब्लॉक कहते हैं, जैसे हृदय घर में हृदय की स्विच खराब हो जाए या में जो जंक्शन बॉक्स है वो खराब हो जाए, उसी तरह हृदय की इलेक्ट्रिक वायरिंग में भी स्विच खराब हो सकती है, जिसे हम कहते हैं सिक साइनस सिंड्रोम। वो स्विच को कहा जाता है साइनस नोड, तो वो बीमार पड़ गया, इट इज सिक, सो इट इज सिक साइनस सिंड्रोम। या अगर जंक्शन बॉक्स खराब हो जाए उसे हम कहते हैं AV नोड, तो वो जंक्शन बॉक्स खराब हो जाने को कहते हैं AV ब्लॉक। तो सामान्य कन्वर्सेशन बातों में हम कहते हैं कि हृदय में ब्लॉक आ गया है, पर ब्लॉक दो टाइप के हो सकते हैं, या तो खून की नलियों में ब्लॉक आ सकता है या इलेक्ट्रिक वायरिंग में ब्लॉक आ सकता है, पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों का ट्रीटमेंट या इलाज भी अलग अलग। अच्छा, अगर निदान के बारे में बात करें तो कौन कौन से परीक्षण होते हैं एरिथमिया का निदान करने के लिए? जरूर, सबसे सिंपल चीज तो ये है कि अगर किसी दर्दी को ऐसा लगे कि धड़कन अनियमित हो रही है, हृदय में ऐसा लग रहा है कि धड़कन तेज चल रही है, तो उसी समय अपनी नाड़ी चेक कर सकते हैं और नाड़ी चेक करके पता चलेगा कि धड़कन नॉर्मल चल रही है 60-100 के बीच में, अगर 110-120 हो तो भी शायद नॉर्मल हो, 50-55 हो तो भी शायद नॉर्मल हो, पर अगर धड़कन बहुत तेज चल रही हो, नाड़ी बहुत तेज चल रही हो, अगर 150 से ऊपर हो तो वो एरिथमिया का लक्षण है, अगर गति बहुत से स्लो है 40 से कम है तो वो एरिथमिया का लक्षण है, वो सबसे बेसिक चीज। अगर हम परीक्षण पे जाएं तो सबसे बेसिक परीक्षण है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, वो कहीं भी डॉक्टर के पास किसी भी हॉस्पिटल में जाके तुरंत ECG आधे एक मिनट में हो जाता है, और ये ECG बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी परीक्षण है और वो बेसिक परीक्षण है।
उसके ऊपर 80% केस में निदान हो जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और किस तरह उसका इलाज करना है। कुछ पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि तकलीफ अभी हुई, जब तक हॉस्पिटल पहुंचे या डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक तकलीफ ठीक भी हो गई, और जब डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि नाड़ी बिल्कुल सही है, कार्डियोग्राम बिल्कुल सही है और कुछ करने की जरूरत नहीं। पर ये तकलीफ खासकर ऐसी एरिथमिया की ऐसी ही होती है कि ये शॉर्ट सर्किट जब होना है तब होगा और जब उसको बंद होना है तो बंद होगा। और काफी केसेस में बार बार ये धड़कने होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो भी ECG पे उसका रिकॉर्डिंग करना मुश्किल रहता है। तो ऐसे पेशेंट में हम कुछ और परीक्षण करते हैं, उनमें से एक है होल्टर। होल्टर वॉकमैन जैसी मशीन है, वो ऊपर से ECG की तरह ही लगा दी जाती है और पेशेंट वो पहन के घर जा सकते हैं। पेशेंट के पास वो मशीन 24 से 48 घंटे रहती है और पेशेंट सब कुछ कर सकते हैं, घूमना फिरना, सीढ़ियां चढ़ उतर करना, सब कुछ। अगर उस समय पेशेंट को कभी वो तकलीफ महसूस हो गई तो उसमें बटन दबा देनी है, तो उसमें इंडिकेशन मिल जाता है कि जब तकलीफ हो रही थी तो हृदय में क्या चल रहा था, तो वो होल्टर पे कुछ आइडिया मिल जाती है। कुछ पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि तकलीफ हफ्ते में एक ही बार हो या दो हफ्ते में एक बार हो, तो होल्टर भी 24 या 48 घंटे के आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो ऐसे पेशेंट में हम दूसरी मशीन लगाते हैं जिसे कहते हैं इवेंट रिकॉर्डर। वो पहन के भी पेशेंट जब 2-3 हफ्ते अपने पास रख सकता है मशीन, जब कभी तकलीफ हो तो उसमें बटन दबा देनी है तो उसमें से इन्फॉर्मेशन हो जाती है। कुछ पेशेंट में ऐसी तकलीफ हो सकती है कि 2 महीने में एक बार ही तकलीफ हो पर वो जानलेवा हो, जिससे जोखिम हो, कभी पेशेंट गिर जाते हैं, सिर को मार लग जाता है या पैर फ्रैक्चर हो जाए, ऐसे पेशेंट में भी एक स्पेशल रिकॉर्डर दिया जाता है जिसे कहते हैं इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर, जो छोटी सी ऑपरेशन करके स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे लगा दिया जाता है, जो पुलिसमैन की तरह काम करता है, 24 घंटा मॉनिटर करता है हृदय की गति को। अगर ऐसा प्रॉब्लम फिर कभी हुआ तो उसमें रिकॉर्डिंग हो जाए। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि तकलीफ बार बार हो रही हो, ये कितने भी परीक्षण किए तो भी उनमें पकड़ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसका फाइनल इन्वेस्टिगेशन जो हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी से उसमें पूरी मालूमात मिल जाती है। जैसे एंजियोग्राफी की जाती है खून की नलियों की जांच के लिए, वैसे ही EP स्टडी या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी की जाती है इलेक्ट्रिकल जांच के लिए। ये भी करीब 20-25 मिनट का प्रोसीजर है जिसमें हॉस्पिटल में आधे एक दिन के लिए रखा जाता है, छोटी सुई लगा के जांघों में सुन किया जाता है, वहां से नलियां डाल के जांच की जाती है। पर मुझे लगता है कि दर्शक जो सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं वो है ट्रीटमेंट, उपचार कैसे होता है। जी, तो जिस तरह खून की नलियों के ब्लॉक के लिए एंजियोग्राफी से निदान किया जाता है और एंजियोप्लास्टी से उसकी ट्रीटमेंट होती है, ठीक उसी तरह एरिथमिया में अगर तेज धड़कन हो, टैकीकार्डिया जिसे कहते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी से निदान किया जाता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से उसका इलाज किया जाता है। तो ये प्रोसीजर जो है एक साथ किए जाते हैं, निदान और इलाज एक साथ किया जाता है, करीब पूरा काम 1.5-2 घंटे का है और इसमें पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं, छाती खोलने की जरूरत नहीं, ये बाईपास जैसा ऑपरेशन नहीं है। इसमें जैसे मैंने बताया जांघों में छोटी सुई लगाते हैं, सुन करते हैं, वहां से नलियां डालते हैं हृदय के अलग अलग कमरों में और वहां से इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग की जाती है। हृदय की पूरी जांच इसमें होती है कि हृदय की स्विच कैसी है, जंक्शन बॉक्स कैसा है, भगवान ने कहीं पे कहीं कोई एक्स्ट्रा वायरिंग तो नहीं दी है, उसमें स्टिमुलेशन या हृदय की धड़कन बढ़ा के हृदय की एक्स्ट्रा वायरिंग की जांच की जाती है, वो एग्जैक्टली कहाँ पे है वो पता किया जाता है। और जब एग्जैक्ट पता चल जाए कि वो स्पॉट कहाँ है या एक्स्ट्रा वायरिंग कहाँ है, एक्स्ट्रा स्विच कहाँ है, वहाँ पे नलियों के द्वारा ही सेक दे के वो एक्स्ट्रा वायरिंग मिटा दी जाती है, इसे हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो ये पूरा काम निदान और ट्रीटमेंट, निदान और इलाज, EP स्टडी और RF एब्लेशन, करीब 1.5 घंटे का प्रोसीजर है और हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन पेशेंट को रहना पड़ता है। ये सामान्य प्रॉब्लम के लिए, जिसे कहते हैं हम सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसमें हृदय नॉर्मल हो। कुछ पेशेंट में जैसे मैंने बताया कि हृदय का अटैक आ चुका है, हृदय की पंपिंग कम हो गई है, इसमें हृदय का ढांचा भी काफी बदल जाता है, और ऐसे केसेस में हम स्पेशल ट्रीटमेंट की स्पेशल तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं,
जिसे कहते हैं ईपी स्टडी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बाय थ्री डायमेंशनल मैपिंग। ये स्पेशल सिस्टम है जिसे हृदय का पूरा ढांचा रिक्रिएट बनाया जाता है और कंप्यूटर के ऊपर, और उसके ऊपर पता करते हैं कि हृदय में कहाँ पे अटैक आया है, कहाँ भेज पड़ी है, कहाँ वायरिंग खराब है, किस किस जगह पे शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, और हर एक जगह को ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आप कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे पानी का पाइप ट्रीटमेंट करने के लिए आप प्लम्बर को बुलाते हैं और वायरिंग की फील्ड को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वैसे ही कार्डियोलॉजी में खून की नलियों के ब्लॉकेज के लिए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, और जब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो, अरिथमिया हो, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हृदय हार्ट की जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है उसके आगे का फर्दर सब स्पेशलाइजेशन है, और अगर 10 कार्डियोलॉजिस्ट होंगे तो उनमें से एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जनरली रहता है। जी, एरिथमिया के बारे में हम बात कर रहे थे, कैसे होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, परीक्षण सब कुछ जान लिया, लेकिन बेसिकली क्यों होता है एरिथमिया? हाँ, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों में भगवान एक्स्ट्रा वायरिंग दे देता है। हर पेशेंट, हर आदमी अलग है, हर एक का हृदय अलग है, हर एक की वायरिंग अलग है। कुछ लोगों में एक्स्ट्रा वायरिंग जन्म से ही रहती है, 1000 में 3-4 लोगों को, और उसकी वजह से हृदय में शॉर्ट सर्किट होके धड़कन तेज हो सकती है। और बाकी लोगों में जैसे मैंने बताया कि हृदय की ढांचे में फर्क आने के कारण, वो या तो हार्ट अटैक से आया हुआ हो, जिसे स्नायुओं में डैमेज हो गया हो, वायरिंग में डैमेज हुआ, उससे अरिथमिया हो सकता है, या फिर वाल्व की बीमारी हो जिसे हृदय के ढांचे बदल गए हों, दीवार में भेज पड़ गई हो, उससे अटैक आ सकता है, उससे अरिथमिया हो सकता है, और कुछ पेशेंट में हृदय की जन्मजात बीमारियां रहती है जिससे यह तकलीफ हो सकती है। ये सब अलग अलग कारण हैं जिससे ये होने के चांसेस है, और काफी समय ऐसा होता है 100 में 10 लोगों में जिसमें बिना किसी कारण अरिथमिया हो सकता है, जिसका कोई कारण अभी तक पता नहीं। नायक साहब, अरिथमिया को रोका जा सकता है क्या? ये प्रश्न काफी पेशेंट्स हमको पूछते हैं। कुछ पेशेंट्स में रोका जा सकता है, पर वास्ट मेजॉरिटी 90% केस में ये अपने हाथों में नहीं है, ये जब होना है तब होगा, और ये न हो उसके लिए हमें वो सभी चीजें करनी है जिससे हृदय में कोई डैमेज ना हो, मतलब हार्ट अटैक ना है, वाल्व की बीमारी ना हो, तो उस हिसाब से अपना रहन सहन जीवन रहना चाहिए। तो डाइट, एक्सरसाइज ये सब जरूरी है ताकि भविष्य में हार्ट अटैक ना आए, यही एक चीज अपने हाथ में है जिससे हम हृदय के डैमेज होने से बचा सकते हैं, भविष्य में जोखिम वाले अरिथमिया होने से बचा सकते हैं। पर किसी को ऑलरेडी अगर ये प्रॉब्लम हो, हृदय में एक्स्ट्रा वायरिंग भगवान ने दे दी हो, या फिर हार्ट अटैक आ चुका हो, और ऐसे पेशेंट को धड़कने तेज होती हो, तो दवाइयों से वो रोकने की हम कोशिश करते हैं, पर दवाइयां 100% इफेक्टिव नहीं, दवा चालू रहते हुए भी ये तकलीफ हो सकती है, तो अपने हाथों में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है, जब अरिथमिया होना है तब होगा। वी कैन ओनली ट्राई टू प्रिवेंट इट और कंट्रोल इट इन बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिसिंस, दवाइयां लेके ये कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकते हैं, पर इसका फाइनल ट्रीटमेंट तो वही है जैसे मैंने बताया, ईपी स्टडी या एब्लेशन, खासकर उन लोगों में जिनमें एक्स्ट्रा वायरिंग या एक्स्ट्रा स्विच हो हृदय में, और ऐसे पेशेंट्स में अगर अरिथमिया हो तो एक चॉइस है कि जिंदगी भर दवाइयां लें, और दवाइयां हर दवाई के साइड इफेक्ट रहते हैं, दूसरी चॉइस है कि 1/4 घंटे 1 घंटे भर के प्रोसीजर में अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर जिंदगी में और कोई दवाइयां लेने की जरूरत नहीं, ये कायमी इलाज है, इट्स अ परमानेंट क्योर, फिर कभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। डॉक्टर नायक साहब, ट्रीटमेंट के बारे में जरा और डिटेल में कुछ बताइए आप, जब हृदय की धड़कन जब स्लो हो जाती है तब क्या ट्रीटमेंट करते हैं? अगर हृदय की धड़कन बहुत स्लो हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेशल मशीन लगाई जाती है जिसे कहते हैं पेसमेकर, सामान्य भाषा में उसको कहते हैं कि पेशेंट को बैटरी लगा दी गई है,
ये दोनों प्रॉब्लम के लिए, अगर हृदय की स्विच खराब हो गई, सिक साइनस सिंड्रोम, या हृदय का जंक्शन बॉक्स खराब हो गया जिसे हम कहते हैं एवी ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ऐसे केसेस में धड़कन जब बहुत स्लो हो जाती है 25-30 तक पहुंच जाए, हृदय की गति बहुत स्लो हो जाने के कारण जान को जोखिम होता है, ऐसे पेशेंट में पेसमेकर का इम्प्लांट किया जाता है। ये भी ऑपरेशन बड़ा नहीं है, इसमें करीब आधा पौना घंटा लगता है, इसमें भी बेहोश करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कॉलर बोन के नीचे छोटी सुई लगाई जाती है, सुन किया जाता है, और लोकल एनेस्थीजिया देने के बाद एक स्पेशल वायरिंग हृदय के अंदर जाती है, छोटा सा कट आता है जिसमें करीब 1 इंच का कट हो, और चमड़ी के नीचे पेसमेकर अटैच कर दिया जाता है जी। ये पेसमेकर के अंदर ही बैटरी रहती है जो चलती है करीब 7 से 8 बरस। एक बार पेसमेकर लगा दिया जाए तो उसी टाइम से पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, और करीब 6-8 घंटे के बाद पेशेंट उठ के बैठ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, और जनरली 1-2 दिन के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल से घर भेजा जा सकता है। जो बैटरी है वो 7-8 बरस के बाद उसका इफेक्ट कम होते जाता है, तो फिर 1 दिन के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं और पूरा यूनिट निकाला जाता है और नया यूनिट अंदर जाता है। यानी तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 7-8 साल में सिर्फ उसकी बैटरी जो है उसको बदलना पड़ता है। ये हर्मेटिकली सील्ड डिवाइसेस है, तो इनको खोल के बैटरी रिप्लेस नहीं की जाती, पूरा यूनिट निकलता है और नया यूनिट अंदर डाला जाता है। तो 7-8 साल के बाद एक तो पेशेंट को नया पेसमेकर मिलता है, और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, ये साइंस इतना तेज गति से चेंज होता है, तो 7-8 साल के बाद जो पेसमेकर पेशेंट को मिलेगा वो काफी एडवांस्ड रहता है जी। अगर वही पेसमेकर रहे और सिर्फ बैटरी रिप्लेस करनी पड़े तो शायद ये हो कि हम 40 बरस मारुति 800 ही चलाते रहे, whereas you need to progress with changing times. तो हर एक पेस, ये साइंस काफी रैपिडली चेंज होता है, और जैसी जरूरत है उसके अनुसार पेसमेकर में अलग अलग टाइप के फीचर्स रहते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, हर बार टेक्नोलॉजी के अनुसार वो अपडेट होता जाएगा। बिल्कुल। जिन्हें ऑलरेडी हार्ट अटैक आ गया हो, जिनका हार्ट ऑलरेडी कमजोर हो, उनके लिए क्या करते हैं? पेशेंट्स को दो टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर हृदय की पंपिंग कम हो गई तो उनको हार्ट फेलियर हो सकता है, पंपिंग कम होने के कारण सांस फूलना, छाती में पानी भरना, चेहरे पे सूजन, पैरों में सूजन आ सकती है, एक प्रॉब्लम यह है। और दूसरा प्रॉब्लम, ऐसे पेशेंट्स में तेज धड़कन निकल सकती है हृदय के नीचे के कमरे से, जिसे हम कहते हैं VT या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये जानलेवा चीज है, और ये भी अकस्मात कभी भी हो सकती है, ये भी अपने हाथ में नहीं है, दवाइयां चालू रहते हुए भी ये तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स में स्पेशल मशीन लगाई जाती है जिसे कहते हैं डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर पेसमेकर से थोड़ी बड़ी मशीन है, और इसमें पेसमेकर का काम भी होता है, तो हृदय की गति कभी स्लो हो गई तो डिफिब्रिलेटर हृदय की गति स्लो नहीं होने देता, पर साथ में वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो 24 घंटा हृदय की गति पे निगरानी रखता है, जब तक गति नॉर्मल चल रही हो ये डिफिब्रिलेटर मशीन चुपचाप देखते रहेगी, पर जैसे ही कभी वो तेज धड़कन निकले तो वो अंदर ही अंदर शॉक देके, या बिना शॉक हम कहते हैं एंटी टैकी पेसिंग, उससे वो धड़कन रोक लेती है। तो पेशेंट को धड़कन तेज होने के पता चलने के पहले भी ये मशीन उसका ट्रीटमेंट कर देती है और पेशेंट की जान बचा लेती है। So this is a very important development, और ये काफी जरूरी रहता है, खासकर उनमें जिनकी हृदय की पंपिंग कम हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स में, और जिनको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होने के चांसेस है, ऐसे पेशेंट्स। लेकिन एरिथमिया से जो हार्ट फेलियर होता है जी, वो अन्य कारणों से जो हार्ट फेलियर होता है उतना ही खतरनाक है, उतना ही जानलेवा है? एरिथमिया से जनरली जो प्रॉब्लम होता है उसे हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ, और ये अकस्मात कभी भी हो सकता है। जो पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका हो, पंपिंग कम हो चुकी हो, उनके केस में अगर अभी बिल्कुल ठीक हो, कसरत करके आए हो, घूम के आए हो, तो भी वो उसी समय हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, 5 बरस बाद भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ, दैट इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर धड़कन कंटिन्यूअसली तेज रहे कुछ लोगों में तो उसके कारण भी हृदय की पंपिंग कम हो सकती है और उससे हार्ट फेलियर हो सकता है, उसे हम कहते हैं टैकीकार्डियोमायोपैथी।
टैकीकार्डिया मतलब तेज धड़कन और कार्डियोमायोपैथी मतलब हृदय की पंपिंग कम हो जाना किसी कारण, तो वो थोड़ी अलग टाइप की प्रॉब्लम है। और जिन लोगों में तेज धड़कन से हार्ट फेलियर होता है, ऐसे पेशेंट में अगर वो तेज धड़कन का इलाज हो जाए तो हार्ट फेलियर भी अपने आप ट्रीटमेंट हो जाती है, हार्ट फेलियर भी इम्प्रूव हो जाता है। जो बाकी कारणों से हार्ट फेलियर होता है, जैसे हृदय की वाल्व की बीमारी के कारण या हार्ट अटैक के स्नायु के डैमेज के कारण, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है और उसके उसमें दवाइयों के साथ साथ ऑपरेशन या स्पेशल टाइप के मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं CRT या कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये भी पेसमेकर के तरह ही मशीन है, पर उससे थोड़ी बड़ी मशीन है ये। अगर इसको हम पेसमेकर कहें जिसमें एक या दो वायर की जगह रहती है, तो CRT में 3 वायर की जगह रहती है जो हृदय के अलग अलग भाग में इलेक्ट्रिसिटी देके हृदय की पंपिंग बढ़ाने की कोशिश करती है। और कुछ पेशेंट में जिनका जिनको हार्ट फेलियर हो, हृदय की पंपिंग कम हो, इनमें हम CRT देते हैं ताकि पंपिंग इम्प्रूव हो, पर उन्हीं केसेस में VT या वो जानलेवा तेज धड़कन होने के भी चांसेस रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट में डिफिब्रिलेटर की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट को CRT और डिफिब्रिलेटर अलग अलग मशीन नहीं दी जाती, उनको एक कंबाइंड मशीन दी जाती है जिसे कहते हैं CRT प्लस डिफिब्रिलेटर, जिससे दोनों काम होते हैं। तो ये है CRT, ये है डिफिब्रिलेटर, ये जो कंबाइंड मशीन हो उसे हम कहते हैं CRT प्लस डिफिब्रिलेटर CRTD, तो ये दोनों का काम करती है। अगर सामान्य शब्दों में समझाया जाए तो क्या है हार्ट फेलियर, उसकी व्याख्या क्या की जाती है? बहुत सिंपल है, अगर शरीर को जितना खून मिलना चाहिए उतना खून हृदय प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, हार्ट अटैक के कारण, हृदय में डैमेज होने के कारण, वाल्व के प्रॉब्लम के कारण हृदय का पंपिंग कम हो जाना उस कारण। तो जितनी शरीर को जरूरत है अगर उतना खून हृदय शरीर को नहीं पहुंचा पा रहा है, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अगर हृदय को डैमेज न भी हुआ हो पर शरीर में खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो, एनीमिया, उसके कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है। कुछ विटामिन डेफिशिएंसी, अगर विटामिन शरीर में कम हो, उसके कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है। जबकि हृदय इनके ऐसे केसेस में नॉर्मल रहता है, हृदय नॉर्मल है, पंपिंग ठीक है, पर जितनी जरूरत है शरीर को उतना खून शरीर को पहुंच नहीं। हार्ट फेलियर कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है इसमें? सामान्य तरीके से मेनली अगर हार्ट अटैक आ चुका हो तो हृदय की पंपिंग जो हम कहते हैं नॉर्मल 60-65% ऐसा कही जाती है, हृदय के स्नायु के डैमेज के कारण पंपिंग उतनी स्ट्रॉन्गली नहीं होती है, हृदय का पंपिंग का कारण बिल्कुल कम पड़ जाता है, तो उसके कारण शरीर को खून बराबर पहुंच नहीं पड़ता, उसके कारण हार्ट फेलियर। और कितना खतरा है हार्ट फेलियर का, जानलेवा खतरा कितना होता है? हार्ट फेलियर बहुत ही गंभीर बीमारी है। शुरुआत में जब हृदय की पंपिंग कम हो रही हो तो दर्दियों पेशेंट को खास तकलीफ नहीं भी होगी, या अपने देश में खासकर ऐसा होता है कि अगर तकलीफ होने लगे तो हम हमारी एक्टिविटी कम कर देंगे। अगर 3 माले चढ़ते हो पहले तो 1 माला चढ़ेंगे, रुकेंगे और बाकी के 2 माले बाद में चढ़ेंगे, और उसको हम कहेंगे कि हमारी उम्र बढ़ रही है उसके कारण ये तकलीफ हो गई, पर शुरुआत में शायद उतनी तकलीफ ना भी हो, पर जैसे हृदय की पंपिंग कम होते जाती है तो तकलीफें बढ़ती हैं, शरीर में पानी भरने लगता है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है, सांस फूलती है, चेहरे पे सूजन, पैरों में सूजन आने लगती है। इस स्टेज में अगर हम 100 पेशेंट आज लें तो 1 बरस के बाद केवल 70% लोग रहेंगे और 5 बरस के बाद केवल 50% लोग रहेंगे। इसको हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या एडवांस्ड हार्ट फेलियर, NYHA क्लास 3 और 4, मतलब ये एडवांस स्टेज के हार्ट फेलियर में 1 बरस में 100 में से 30% लोग नहीं रहेंगे और 5 बरस में 50% लोग नहीं रहेंगे, तो काफ़ी गंभीर बीमारी। इलाज हो सकता है इसका? जी हाँ, तो हार्ट फेलियर के इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट है कि निदान किया जाए किस कारण ये हुआ। अगर हार्ट अटैक आ चुका हो, एंजियोग्राफी पे पता चले कि खून की नलियों में ब्लॉक है,
तो अगर ये ब्लॉक का ट्रीटमेंट किया जाए एंजियोप्लास्टी से या बाईपास सर्जरी से, तो अपने आप हृदय की पंपिंग में इम्प्रूवमेंट आती है और ये हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम काफ़ी कंट्रोल में रखा जा सकता है। क्योर नहीं होता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कंट्रोल में रखा जा सकता है। और अगर वाल की डिसीज, वाल का प्रॉब्लम हो जिसके कारण हार्ट फेलियर हुआ हो, तो वाल की सर्जरी के बाद दवाइयों से ये हार्ट फेलियर कंट्रोल में रखा जा सकता है। जिंदगी भर जनरली इन दर्दियों को दवाइयों की जरूरत पड़ती है। दवाइयों का प्रमाण बढ़ सकता है, कम किया जा सकता है, पर जनरली सभी पेशेंट्स को जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ती हैं। दवाइयों की भी अपनी लिमिट है, एक विशेष लिमिट के आगे दवाइयां काम नहीं करती। तो ऐसे पेशेंट्स में 10 साल पहले तक तो हम कहते थे कि बस मंदिर जाओ, मंदिर से वापस आओ, घर में रहो, जितना काम हो सके उतना करना है। विदेश में ऐसे पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट किया जाता था, हार्ट ट्रांसप्लांट, पर अपने देश में वो काफ़ी लिमिटेड है, वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। पर जब से ये CRT इम्प्लांट किया जाता है, हार्ट फेलियर डिवाइस, उसके बाद विदेश में भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई। तो जैसे अमेरिका में करीब 10-15 बरस पहले तक बरस में 1000 ट्रांसप्लांट होते थे, तो जब से ये CRT थेरेपी आई है, हार्ट फेलियर डिवाइस थेरेपी, उसके बाद ट्रांसप्लांट की ज़रूरत 300 से कम पेशेंट में रह गई बरस में। तो दवाइयों के साथ साथ CRT इम्प्लांटेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, जिससे पेशेंट के हार्ट फेलियर को कंट्रोल में रखा जा सके। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हार्ट फेलियर को कंट्रोल में रखा जा सकता है, ये उसका क्योर नहीं है, इलाज नहीं है। दवाइयाँ, डाइट, मतलब बराबर खुराक, प्रवाही कम लेना, 1.5 लीटर से ऊपर नहीं, और जिन पेशेंट में ये लगाई जा सके उसमें हार्ट फेलियर डिवाइस या CRT इम्प्लांट काफ़ी ज़रूरी है। जी नाइक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतनी उम्दा जानकारी हमें लेने के लिए। धन्यवाद आपको भी। अगर इस विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी की आपको ज़रूरत हो तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सीम्स हॉस्पिटल, शुगर मॉल के पास, ऑफ साइंस सिटी रोड, 16, अहमदाबाद 380060, गुजरात। फ़ोन नंबर है 0792771 2771, 2771 2772, 2771 2773, 2771 2774, और 2771 2775। फैक्स नंबर है 0792771 2770। मोबाइल नंबर है 9825066664 तथा 9825066668। मित्रों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।